आपका टेक शहजाद, आपने अभी अभी ज्वाइन किया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं व्यापक दृष्टि से अगर इसको देखूं तो 6 या 7 एग्जिट पोल्स आ चुके हैं और सभी की दिशा एक ही तरफ है और सभी एक तरीके से निष्कर्ष दे रहे हैं, 300-350 पार बीजेपी, 300 पार ऑब्वियसली और 350 पार एनडीए। तो सभी का दिशा जो है वो सही होगा, गलत किसी का हो नहीं सकता, परंतु मुझे लगता है एग्जैक्ट नंबर्स जब आएंगे तो इसमें 30-40 ऐड होंगे, क्योंकि अगर आप 14 से ही देखें तो 14 में किसी ने प्रिडिक्ट नहीं किया था 282 आएगी, 19 में 300 प्लस हम कहते थे, किसी ने प्रिडिक्ट नहीं किया था 30-40 कम दिए। अब आपके सर्वे पर जब आते हैं, देखिए ऑपोजिशन का गेम प्लान ये था कि वो हमें उन एरियाज में डेंट करे जहां पर हम लोग 100% है या 95% है, वहां पर वो कोई डेंट कर नहीं पाए, उल्टा हम लोग ईस्ट और साउथ में और भी बढ़त पा रहे हैं, जैसे ओडिशा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, साउथ में आए तो तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, तेलंगाना हो गया। तो इसका कुल मिला के लब्बुलबाब ये है कि मोदी जी का 10 वर्षों में जो परफॉर्मेंस और डिलीवरी रहा है उसने जनता के साथ कनेक्ट किया है। और मुझे लगता है अभी देखिए कुछ देर में ईवीएम पर फिर से ठीकड़ा फोड़ना, फिर एग्जिट पोल के डेटा को गलत बताना, डेटा को गाली देकर कुछ नहीं होगा, बेटा बदलना पड़ेगा। अच्छा, डेटा और बेटा के बदले हम लोग नंबर्स पर बात हो रही है जी, अभी चुनाव खत्म हो चुका है तो नहीं, मुझे लगता है पॉलिटिकल भाषण देने से अच्छा है कि नंबर पर जो बात हो रही है हम उसी पर। मैं वही कह रहा हूँ कि ये नंबर वही आकलन जो अभी नंबर्स जो है वही दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी 10 वर्षों की सरकार के बाद भी अगर उसके पास प्रो इनकम्बेंसी है तो ये परफॉर्मेंस और डिलीवरी की वजह से हो रहा है। और हमें देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार ने काम किया है, वो लास्ट माइल डिलीवरी हुई है, राष्ट्रीय सुरक्षा जिस प्रकार से सुधरी है उसका ये प्रमाण है। तो जिन मुद्दों पर ये कहते थे वैसे ये मुद्दों पर डिलीवरी हुआ है, ये उसका प्रमाण है। लेकिन शहजाद, जहां चुनौती मिल रही है वहां क्या कमियां हैं? राजस्थान में क्यों वो नहीं हुआ जो मध्य प्रदेश में हुआ? देखिए, मैं सहमत नहीं हूं राजस्थान के आंकड़े से, मुझे लगता है कि राजस्थान में भी और जहां पर भी आप दिखा रहे हैं वहां पर एकाध सीट से ज्यादा नुकसान नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि वहां पर इमेंस पॉपुलैरिटी भी है और वहां पर अभी हमारी सरकार बनी भी है, तो उस सरकार का भी एक प्रकार से हनीमून पीरियड अभी भी है, तो मुझे लगता है कुल मिलाकर वहां पर भी मुझे लगता है सीटें बढ़ेंगी। हनीमून पीरियड तो फिर कांग्रेस पार्टी कह सकती है, कर्नाटक में हमारा भी है लेकिन उन्हें उसका फायदा नहीं मिल रहा। 4 तारीख को तो फायदा नहीं मिल रहा, लेकिन उन्हें नहीं मिल रहा उसका फायदा, यानी विधानसभा में लोग अलग तरह से मतदान कर रहे हैं और लोकसभा के लिए अलग तरह से मतदान कर रहे हैं। रामकृपाल जी इस पर कुछ कहना चाहते हैं। जी सर, देखिए मैं एक चीज कह रहा हूं कि जो अभी जितने राज्यों को हुआ है आपने दिखाया है, सरप्राइज ये है कि 52% से ऊपर बीजेपी को हर जगह वोट मिल रहे हैं। तो जो अमित शाह का ये था कि 50 से ऊपर, मुझको लग रहा है कि जो पिछली बार 2019 में वोट परसेंटेज था उससे भी ज्यादा बीजेपी को आएगा। दूसरी बात यह है कि ये इंडिया अलायंस के लिए एक बहुत बड़ा वो धक्का है। अब आप देखिए गुजरात में 22%, 71%, छत्तीसगढ़ में करीब करीब 70% और 32%, यानी अगर मैं इंडिया अलायंस की बात कहूँ, हालांकि कांग्रेस ही लड़ रही है, तो भी आप देखिए कि वोट परसेंट में कोई मुकाबला ही नहीं है। सीट वो चाहे जो भी आए, लेकिन तीसरी बार 10 साल के बाद करीब करीब एवरेज अगर स्ट्राइक रेट 55-60 जा रहा है जिस पार्टी का, तो आप समझ सकते हैं कि अपोजिशन, इतने अलायंस के बावजूद अगर ये चीज हो रही है तो बहुत बड़ी सफलता। पर इतने इतना वोट प्रतिशत बढ़ने के बाद भी ये जो प्रोजेक्शन है वो 400 पार नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। देखिए जो आप कह रहे थे ना एक बार, क्योंकि इवनली मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड वोट होता है, एक होता है सर्टेन पॉकेट्स में ज्यादा मिल गया तो वोट ज्यादा होने से भी सीटें कम होती हैं, लेकिन वोट का मेरा कहना है कि जनमत जो है, इसके बावजूद इतना गठबंधन बनने के बावजूद देश की जनता ज्यादा बीजेपी को वोट दे रही है, यानी वोट परसेंट के मामले। ठीक है, अब हमारे साथ एक नए मेहमान जुड़ चुके हैं महाराष्ट्र से, किशोर तिवारी जी, लीडर शिवसेना उद्धव गुट।